समाचार है, उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को प्रमोशन देने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी ने सरकार को यहां पर यह सुझाव दिए हैं, छात्रों को प्रमोशन देने के मसले पर रणनीति बनेगी। कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इधर शिक्षा विभाग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी इस बैठक में मौजूद रहे। 1 जुलाई से शैक्षणिक क्रियाकलाप शुरू करने पर चर्चा इसमें की गई है, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस की शिकायतों पर भी चर्चा की गई है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी खुश हो गए होंगे। जैसा कि आपको बेसब्री से पूरे दिन से इंतजार था कि आपका क्या फैसला आएगा, तो देखिए फाइनली फैसला आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम पर। सबसे बड़ा फैसला और फैसला ये है कि विश्वविद्यालयों में इस साल परीक्षाएं नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, 4 सदस्यों की जो टीम थी उन्होंने सीएम के साथ मुलाकात की और साथ ही साथ आपके जो परिषदीय स्कूल हैं उन्हें भी खोलने पर विचार विमर्श किया गया। तो आपको बता दें कि इस पर 2 जुलाई को आपका फैसला आएगा कि आपके स्कूल खोलने हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आप लोग अब बिना परीक्षा प्रमोट किए जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसे अब परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और फाइनली वो बिना परीक्षा प्रमोट हो जाएगा। तो आप लोगों की मेहनत रंग लाई है और सरकार ने आपके पक्ष में फैसला लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंचे जो काफी देर से परेशान थे, पूरे दिन से इंतजार था, तो अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।